कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत खत्म हुई, इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन तक ही जा रही है। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी। सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और MSP के मुद्दे पर 8 तारीख को ही फिर से हम बात करेंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी में बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे MSP और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानून पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान तीनों कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की वार्ता के बाद हमें उम्मीद है कि अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। वहीं भारतीय किसान संघ के सचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि वो कृषि कानून को मानते ही नहीं हैं। उनकी एक सूत्रीय मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके, और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं, पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते हैं, तो बात किस बात की कर ले। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, MSP को कानूनी प्रारूप दी जाए। सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं, तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है, और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। आज दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की मीटिंग थी। आज की बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता अब 8 जनवरी को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।